बढ़ेंगे आगे। भिंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी, चोरी के शक में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। एक महिला ने चप्पल से बेरहमी से पीटा है, तो वहीं महिला की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। पुलिस ने पिटने वाली महिला को हिरासत में लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार का पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चोरी के शक में महिला के साथ मारपीट की गई है। एक महिला ने चप्पल से बेरहमी से मारपीट की है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिलीप सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप, आखिर क्या कुछ इस पर खुलासा हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो एक सपना नाम की जो महिला है, वो अपने बच्चे के साथ एक सदर बाजार में एक डोली जो गारमेंट्स है उस पर सामान लेने गई थी। तभी उसके बगल में एक महिला थी, वो खड़ी हुई थी। उसका शक हुआ जो महिला जो है, जो संदिग्ध दिख रही है, और वो उसके बैग में से सामान निकालने का उसने प्रयास किया। हालांकि इस शक के आधार पर वो महिला जो सपना थी, उसने उसको जो महिला चोर समझ के उसको पकड़ लिया धर दबोचा मौके पर। हालांकि मौके पर भी काफी जो भीड़ है वो इकट्ठी हो गई थी। आसपास के जो लोग है वो तमाशबीन बने रहे। वो जो महिला है वो चप्पलों से उसके बेरहमी के साथ, केवल चोरी के शक के आधार पर उसके बेरहमी के साथ उसके साथ मारपीट की, चप्पलों से उसको जमकर पीटा है। और इतना ही नहीं, जो भीड़ जो तमाशबीन जो बनी हुई थी, उनको भी महिला को उकसा भी रहे थे कि इसको बहुत मारी है। हालांकि इसकी सूचना लगते ही जो कोतवाली जो थाना जो पुलिस है मौके पर पहुंचती है, और जो जो महिला को हिरासत में लेके जो जिसको शक जाहिर किया था चोरी का, उसको थाने लेके आती है। और हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। मौके पर जो मारपीट का एक वीडियो है वो भी सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ है। जिस तरह से जो महिला है बेरहमी के साथ चप्पलों से एक दूसरी महिला को केवल चोरी के शक में उसको के साथ मारपीट कर रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो एक जो घटना, ये तस्वीरें भी सामने आ गई, बेरहमी से चप्पल से पीटती हुई दिखाई दे रही है इस वीडियो में, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस भी जांच कर रही है कि आखिर क्या सच में चोरी का मामला था या फिर कुछ और। बहरहाल, बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी देने के लिए।